ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आज चर्चा करेंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्याचार्य कहते हैं, यानी दैत्यों के आचार्य, यानी शुक्र का कार्य है भोग विलास ऐश्वर्यशाली जीवन। और यह जो परिवर्तन होने जा रहा है आपका, अभी तक शुक्र आपके कर्क राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 31 अगस्त सायकाल 4:18 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, इनके राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि आपको नहीं मालूम है तो पश्चिमी नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, शुक्र का संबंध होता है भौतिक सुखों से। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है समस्त प्रकार के सांसारिक सुख, भूमि मकान वाहन बंगला गाड़ी नौकर चाकर ऐश्वर्यशाली जीवन भोग विलास स्त्री सुख। और शुक्र का जो संबंध है, आपका जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं आकर्षित करती हैं, कॉस्मेटिक्स फैंसी ज्वेलरी सुगंधित वस्तुएं, इंटीरियर डेकोरेटर फैंसी ज्वेलरी स्टोन्स पत्थर के कार्य, और यानी जिन चीज़ों का संबंध सुंदरता से होता है, जो चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं अट्रैक्ट करती हैं, विवाह शादी के मंडप में डेकोरेशन वेडिंग पॉइंट्स, तो ये सब कार्य शुक्र के अंतर्गत आते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है, और इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। तो तुला राशि वाले जातक, देखिए मित्रों, यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके सेकंड हाउस में हुआ है, और सॉरी, यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में हुआ है, और 11th हाउस में प्रायः सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। खासतौर से क्रूर ग्रह तो बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी ग्रह अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम के घर में जो इनका ट्रांजिट हुआ है, एक अच्छी स्थिति है, लेकिन ये अष्टमेश भी है। शारीरिक मानसिक संतुलन तो ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली आपकी, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, और धैर्य और संयम रखते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, धन लाभ, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो स्त्री वर्ग की तरफ से, स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग की तरफ से, जहाँ से लाभ आता है, धन आता है, पैसा आता है, आय के स्रोत बढ़ेंगे, बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, यानी मेल है तो फीमेल की तरफ से, फीमेल है तो मेल की तरफ से, यहाँ पर कोई धन लाभ, नए कम्युनिकेशन, नए संबंध यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। लेकिन ये अष्टमेश भी है तो थोड़ी बनते कामों में थोड़ी अड़चन रुकावटें, कभी कभी जहाँ से पैसा धन आता है उसमें रुकावटें भी देखने को मिल सकती है, कुछ थोड़े हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चोट फिट एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का व्यर्थ नुकसान, या कोई हेल्थ इश्यूज, कोई प्रॉब्लम ये यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। वैसे भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। कोई भूमि लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें, घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको अभी, कि अगर आप भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का कोई निर्णय लेते हैं तो जल्दबाजी में मत लो। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, तो बहुत सोच समझ कर सामने वाले के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, और ख़ास तौर से अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे कोई व्यर्थ लाभ व्यर्थ की अग्रीमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें।
संतान पक्ष को लेकर थोड़ी तकलीफ यहाँ क्रिएट हो सकती है, चिंता टेंशन, या आपको खुद मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन्स, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, संतान को लेकर चिंता टेंशन, संतान के साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस, उनका विवाह शादी, नौकरी पढ़ाई या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होना जिस वजह से आप थोड़ा चिंता में आ जाए, तो संतान को लेकर थोड़े सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई कोर्स करना है, बाहर जाना है, थोड़े व्यवधान रुकावटें देखने को मिल सकती है, एकाग्रता में कमी आएगी जो विद्यार्थी वर्ग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। आज जो आप प्रयास करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यहाँ पर थोड़ी स्थिति बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा पति पत्नी है तो मतभेद डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब यानी संतुष्टि के भाव में कमी, व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकते हैं। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत है तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है, आपके संबंध वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, आपका रिश्ता टूट सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे से धोखा चीटिंग, नुकसान मिलने की संभावना रहेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा। जो जैसा है वैसा ही चलने दें, उसी में अपना तो अपना परिश्रम, तो अपना पुरुषार्थ आप करते रहें। नया कोई चेंजेस अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए रुक जाइए, समय आपके अनुकूल नहीं है। करियर को लेकर थोड़े मिश्रित फल यहाँ पर आपको मिलेंगे। कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाएं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें। कोई स्थान परिवर्तन करने की मत सोचें, नौकरी परिवर्तन करने के बारे में मत सोचें, कोई व्यवसाय में कोई बड़ा इंक्रीमेंट या विस्तार करने की सोच रहे हैं, नया कार्य व्यवसाय, तो फिलहाल के लिए रुक जाए। जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत करें, उसी में एफर्ट्स करें, तो स्थिति थोड़ी अनुकूल बन सकती है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहे तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, छोटी मोटी यात्रा ट्रैवलिंग करते हैं थोड़ी सावधानी करते हैं, छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अपने संबंध ठीक रखें, संबंधों खराब मत होने देने, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो जातक विदेशों में हैं उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाहर से कोई संबंध है, आपका आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से राहत, रिलैक्स आपको मिलेगी। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। अगर तुला राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो यह है जो परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपत्य नमः 108 times, ओम शुं शुक्राय नमः 108 times श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और शुक्रवार को सफ़ेद मीठे का प्रसाद आप या गरीबों में बांटें, या अपने घर में माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की फोटो की मूर्ति के आगे आप उसको चढ़ाएं, घर में सभी को वितरित करें, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, काली चींटियों को सफ़ेद पीसी शुगर खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और घरों के दुष्प्रभाव से आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।